अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, तो आज 3 सितंबर 2024 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले चलिए हम आते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप यहां पर देख सकते हैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, यहां पर यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक दिया गया, लेकिन क्या ये एक्टिवेट है? यहां पर देख सकते हैं जो भी नोटिफिकेशन है आपको दिख रहा है 2023 का दिख रहा है, 2024 को लेकर अभी कोई अपडेट यहां पर आपको नजर नहीं आ रही होगी। ठीक है, यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा आपका। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस पर अगर आप क्लिक करते होंगे तो कुछ ऐसा पेज खुलेगा, लेकिन यहाँ पर भी 2023 मेंशन किया गया, मतलब 2024 के लिए कुछ नहीं है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपनी वीडियो में और बात करेंगे 3 सितंबर 2024 आवेदन की स्थिति क्या है। ठीक है, हर एक दिन हमने वीडियो बनाई, ठीक है, जून से लेकर सितंबर तक हर एक दिन की अपडेट हमने देखी। अब क्या हो सकता है? देखिए, जिन बच्चों को डीएलएड, ठीक है, 2024 का बेसब्री से इंतजार था, अब उनका इंतजार क्या खत्म होगा कि फिर 2025 के लिए वेट करना होगा? चलिए देखिए और भी क्या चीजें चल रही हैं। जल्द 40,000 और सिपाहियों की भर्ती आ सकती है, मुख्यमंत्री योगी जी ने की घोषणा, 60,000 को नियुक्ति पत्र देने के साथ ही शुरू हो जाएगी प्रक्रिया। मतलब दोस्तों, एक तरफ वैकेंसी कंप्लीट होगी और एक नई उम्मीद, नई राह सामने आ रही है। तो जिन बच्चों का एग्जाम खराब हुआ होगा तो उनको एक और मौका मिल सकता है। नए अध्यक्ष के आते ही निदेशालय ने शुरू कराई रिक्त पदों की गिनती, अध्यक्ष मिला, खत्म होगा 14 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार। ठीक है, तैयार रहिए आप लोग। दोषी का भी घर बुलडोजर से नहीं ढहा सकते, ऐसी कोर्ट से अपडेट आ रही है। चलिए इस अपडेट को बाद में देखेंगे, फिलहाल देखिए आप लोग के कमेंट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर वाले पीएनपी पर जल्द, ठीक है, जाए और जल्दी से एग्जाम कराने के लिए, नहीं तो शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्त, ये वो बच्चे हैं जो डीएलएड कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द, ठीक है, उनका डीएलएड कंप्लीट हो ताकि वो नई शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो, न्यू टीचर वैकेंसी में। ठीक है सर, मेरा 231 नंबर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा क्या? 228 नंबर जनरल कैटेगरी से। देखिए, अगर आपका 228 नंबर है जनरल कैटेगरी है ना, तो आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर आपका बन जाए तो इसको ध्यान दीजिएगा। सर मेरा 231 नंबर है। जी हाँ, चांस आपका बन सकता है। सर क्या एमए की डेट जा चुकी है? देखिए, हम लोग इस वीडियो में सिर्फ डीएलएड के बारे में डिस्कशन करते हैं, डीएलएड या बीटीसी। ठीक है, बाकी जहां से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है वहां से संपर्क में रहिए, वहां से आपको क्लियर होगा। सर मेरा 225 नंबर है, मुझे डायट कॉलेज मिलेगा क्या? प्लीज रिप्लाई। देखिए, अब आवेदन अगर लेट से होता है, काफ़ी बच्चे बीएड की तरफ चले जाते हैं, कहीं और एडमिशन लेते हैं, तो एक फ़ायदा आपको मिल सकता है। ठीक है सर, मेरा बीए में 49% है, क्या मेरा डीएलएड में एडमिशन हो जाएगा? देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर मिनिमम 50% चाहिए, बाकी आरक्षित वर्ग में 45%। ठीक है, तो अगर आपके बीए में 49% है, तो अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो दिक्कत में, या आपका एवरेज, देखिए जो आप अपने ग्रेजुएशन का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं वो एवरेज निकाला जाता है। ये मत सोचिएगा कि सर जी मेरे फाइनल ईयर में कम है, बाकी में अच्छा था, तो आपका ओवरऑल ठीक हो जाएगा। सर क्या एमए प्राइवेट से और बीटीसी सरकारी दोनों एक साथ में कर सकते हैं? देखिए, एक टाइम में आप दो रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते, बस आपको एक बात ध्यान देना है, एक टाइम में दो रेगुलर कोर्स नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए आपने भैया दिल्ली से एडमिशन ले लिया और यूपी से एडमिशन ले लिया, ठीक है, अलग अलग जगह से, एक ही टाइम में दोनों जगह रेगुलर हैं, और आपको पता है रेगुलर कोर्सेज में मिनिमम 75% अटेंडेंस मांगा जाता है, ये बातें आप जानते हैं, तो फिर बताइए कैसे मैनेज होगा? भैया फॉर्म निकलेगा या नहीं ये बता दो आप। देखिए, इसका अंतिम फैसला सरकार को करना है, गवर्नमेंट को। ठीक है, पीएनपी ऐसा नहीं कि पीएनपी ये सोचेगी कि इस साल एडमिशन ना हो, क्योंकि भाई प्राइवेट कॉलेज का भट्टा बैठ जाना है, ठीक है, बड़ा नुकसान होगा अगर एडमिशन नहीं होता, और 2024 में एडमिशन ना होने की कोई वजह दिख नहीं रही। सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि यार चलो इस साल एडमिशन नहीं हो रहा है, तो आपके मन में एक सवाल होना होगा ना, क्यों नहीं हो रहा है, क्या वजह, कोई रीजन है कि फर्जी नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो बस ये समझ लीजिए। तो एडमिशन ना होने की कोई प्रॉपर वजह नहीं है, तो एडमिशन होना चाहिए। भैया कब आएगा फॉर्म? ठीक है, यूपी से बीटीसी करने की फीस क्या है? देखिए, अगर आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो 10,200 रुपये, प्राइवेट में लेते हैं तो 41,000, लेकिन ये आपके हाथ में नहीं है कि आपको सरकारी लेना है कि प्राइवेट, ये दोस्तों डिसाइड करेगी आपकी मेरिट। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए आप डाइट प्रयागराज लेते हैं या डाइट आप लखनऊ लेते हैं,
तो दोनों जगह की कट ऑफ अलग हो सकती है। हो सकता है कि डायट प्रयागराज की कट ऑफ जनरल में 230 नंबर जाए, हो सकता है लखनऊ में ये नंबर 235 चली जाए, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, मान लीजिए किसी बच्चे का 231 नंबर है, वो बच्चा लखनऊ का है, तो लखनऊ में तो उसका एडमिशन नहीं हो सकता। अगर उस बच्चे ने प्रयागराज डाला है तो एक विकल्प उनको यहाँ मिलेगा। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी बातें आप लोग को पता नहीं होती, फिर बाद में आपको परेशानी होती है। भाई लोग टेंशन ना ले, फॉर्म बहुत जल्द आने वाला है, वेबसाइट कमिंग सून दिखा रहा है। ठीक है, चलिए बच्चे भी मोटिवेटेड हैं। सर 2022 वालों को मौका मिलेगा सुपर टेट में, प्लीज बताइए। देखिए, जब तक आपका डीएलएड कंप्लीट नहीं होता, जब तक आप 4 सेमेस्टर का एग्जाम नहीं देते थे, तब तक आपको मौका नहीं मिलेगा। बीटीसी का रजिस्ट्रेशन डेट आएगा ना सर, बहुत चिंता हो रहा है। देख सकते हैं बच्चे काफी परेशान है, 5 सितंबर तक जरूर निकाल दीजिए बीटीसी का रजिस्ट्रेशन डेट, नहीं तो हम इसी लायक नहीं रहेंगे। देखिए, आप लोग डीमोटिवेट मत होइए। अगर इस साल फॉर्म नहीं आता तो आप सोचिए कि 1 साल का कौन सा कोर्स करें या 2 साल के लिए क्या देख सकते हैं, ताकि आपका टाइम ना खराब हो और आपकी तैयारी चलती रहे। ग्रेजुएशन बेस पर आपको काफी वैकेंसी में बैठने का मौका मिलता है, वो भी ध्यान रखना है। थैंक्स, मैं बहुत पहले से आपका वीडियो देखती थी, बट रिजल्ट ना आने का कारण कमेंट करती थी। ठीक है, ऐसा था। ठीक है सर, हमें बीटीसी ही करना है 2024 में, बीटीसी का रजिस्ट्रेशन डेट मंगा दीजिए। तो भैया, आप सरकार को भी सोचना चाहिए, जब बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं डीएलएड करने के लिए, तो ये क्यों डेट नहीं निकाल रहे। सर इस बार फॉर्म आएगा कि नहीं कंफर्म बताइए ना। तो वही बात है कि फॉर्म ना आने की कोई वजह नहीं दिख रही है। अब नहीं आ रहा तो फिर सिंपल सी बात है, आप लोग परेशान हो रहे हैं। सर प्लीज़ बीटीसी का रजिस्ट्रेशन डेट मंगा दीजिए। सर बीटीसी ही करना है, देख सकते हैं बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलेगी जब बीटीसी का रजिस्ट्रेशन डेट आएगा। बिल्कुल उम्मीद है कि सरकार को निकालना चाहिए। भाई बीटीसी का फॉर्म कब तक आएगा? वेबसाइट पर देखिए, एडमिशन पर क्लिक करके लिखा आ रहा है कि वेट फॉर शेड्यूल विल बी अवेलेबल वेरी सून। देख सकते हैं सभी बच्चे ट्राई कर रहे हैं। तो हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, अधिक जानकारी के लिए dlredresult.com वेबसाइट ध्यान दीजिए। आप लोग DLED करने जा रहे हैं तो कौन सी वेबसाइट ध्यान देना है? dlredresult.com, ये ध्यान दीजिए। आप कहाँ से वीडियो बना रहे हैं यूपी डीलेट का पास, जब आप वहाँ बता रहे हैं नोटिफिकेशन वेरी सून वेबसाइट पर देखो, हम बोले थे 2 सितंबर से कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक है सर, हम लोग गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज बीटीसी का फॉर्म रजिस्ट्रेशन डेट, ये सब बातें। ठीक है सर, कुछ भी करिए बीटीसी का, देख सकते हैं बच्चे कितना परेशान है। क्यों अब नहीं होगा बीटीसी में एडमिशन? सर 1 सितंबर का रिजल्ट आ गया, देख सकते हैं। सर क्या अपीयरिंग स्टूडेंट्स भी फॉर्म भर पाएंगे? नहीं, आपका अभी तक तो ग्रेजुएशन उम्मीद करते हो ही क्या होगा, कब फॉर्म आ रहे हैं? थैंक फॉर यू इन्फॉर्मेशन सर जी। ठीक है सर, फॉर्म कब से भरा जाएगा? डायट कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद प्रतिदिन क्लास अटेंड करना होगा। बिल्कुल, देखिए यही अंतर है सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में। डायट में जाएंगे तो आपको रेगुलर क्लास करना है, प्राइवेट में जाएंगे तो भैया जब मन करे जाइएगा। लेकिन दोनों कंडीशन में एक बात बताते हैं, अगर आपकी डायट कॉलेज में पहचान है, पावर वाले हैं, देखिए एक होता है पैसा, एक होता है पावर। ठीक है, एक होती है आपके पास पावर है और एक होता है आपके पास पैसा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर पावर ज़्यादा बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो जुगाड़ अगर आपका सेट हो जाए तो भैया डायट में भी आप क्लास करिए, चाहे मत करिए। फॉर्म अरे सर कब तक आएगा, देख सकते हैं। ठीक है, चोर सरकार भ्रष्ट सरकार, चलिए देखिए ये सब बातें नहीं करते हैं, वेट करते हैं कि फॉर्म आ जाना चाहिए। इस बार यूपी में डीलेट नहीं होगा, ठीक है, इसके लिए इंतजार गहरी खत्म हो गई है। यहाँ पर देख सकते हैं 217 नंबर ओबीसी गवर्नमेंट कॉलेज, मुश्किल रहेगा 217 में। थैंक्स सर, डीलेट एडमिशन के लिए टीसी की जरूरत पड़ेगी। डीलेट का बात करते हैं, मैंने ITI में एडमिशन ले लिया तो TC भी जमा हो गई। देखिए एक टाइम में आप वैसे भी 2 रेगुलर कोर्सेज नहीं कर सकते हैं, अगर आपने कहीं एडमिशन लिया है, या तो आप वही कर पाएंगे या तो डीएलएड करेंगे। ठीक है, एक साथ 2 रेगुलर कोर्सेज करने में कभी कभी दिक्कत आ जाती है और बहुत बार नहीं आती है, तो कभी ना कभी आपकी किसी से दुश्मनी होगी तो भैया वो जान गया कि आपने एक साथ किया है, आपकी कंप्लेन करेगा, आगे चलकर आपकी नौकरी अगर मिली तो वो भी जा सकती है। हम तो MA में एडमिशन ले लिए हैं। ठीक है सर, डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें? अगर आप उत्तर प्रदेश से डीएलएड करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिर्फ मेरिट के आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा, अब नहीं होगा।
सर मेरा हाई स्कूल में 71, 12वीं में 76, ग्रेजुएशन में 65। प्राइवेट ही मिल पाएगा आज शाम तक शायद नोटिफिकेशन। ठीक है, देख सकते हैं सभी बच्चे उम्मीद लगाए बैठे हैं। सर आज BTC का फॉर्म निकलने वाला था, देखिए हमने तो ऐसा नहीं कहा था, ये आप लोग के कमेंट्स ही कह रहे थे। ठीक है ना, PNP को ये बता देना चाहिए कि एडमिशन होगा कि नहीं, सब स्टूडेंट परेशान। जी हाँ, यही बात हम पहले से आपको कह रहे हैं कि अगर ये क्लेरिफिकेशन आ जाए तो कितना बढ़िया रहे, लेकिन प्राइवेट कॉलेज वालों का भट्टा बैठ जाना है अगर ये बात PNP क्लियर कर दे। 2 लाख से ज़्यादा सीट थे, 2 लाख सीट है, मल्टीप्लाई 1 लाख, इतना नुकसान होगा कॉलेज का प्राइवेट कॉलेज में। भैया आपका कैलकुलेटर मोबाइल में फेल हो जाएगा, इतना पैसा नुकसान होगा प्राइवेट कॉलेज का, देखते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर के माध्यम से पॉजिटिव अपडेट्स आ रही हैं वैकेंसी को लेकर, तो आप लोग कोई भी वैकेंसी आ रही तो अप्लाई करिए, कोशिश करिए कि आपकी नौकरी कहीं ना कहीं लगे। DLED करके कैसे नौकरी मिलती है, देखिए दोस्तों आपका हाई स्कूल 12वीं ग्रेजुएशन तक अभी इसके परसेंटेज के बेस पर DLED में एडमिशन होता है। जब नौकरी के बाद आएगा तो DLED का भी परसेंटेज जोड़ के, यहाँ पर 40%, 60% आपका सुपर टेट का नंबर, इसको जोड़कर मेरिट बनती है आपको नौकरी। जरूरी डॉक्यूमेंट हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन का रिजल्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद TC कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 10 रुपये वाला जो शपथ पत्र, ये सब चीज़ें, ये सब लगने वाला है। डायरेक्ट एडमिशन कैसे होगा, इसके लिए भी दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होना जरूरी है। एडमिशन का आदेश आएगा तो आपको बताते हैं, आवेदन में कोई सुधार का मौका नहीं मिलता है, तो फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की आपको गलती नहीं करनी है। अदर स्टेट को मौका मिलता है कि नहीं वो भी हम क्लियर करेंगे। मिनिमम एज लिमिट 18 साल, फीस आपकी फॉर्म भरने की 700, 500 या 200। ठीक है, DLED करें या BED, DLED करके 1 to 5, 6 to 8 के टीचर बनेंगे, BED करके 6 से 8, 9 से 10 में जाएंगे। फाइनली जो आपकी कट ऑफ जा सकती है, ST फिजिकल हैंडीकैप एक्स सर्विस मैन फ्रीडम फाइटर 200+ में सरकारी कॉलेज मिलने लगता है, OBC और EWS में 225, SC में 220, जनरल में 230। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।